अच्छा वो आप मुझे यहाँ ले आई आप ही। हाँ टियो, हर ईद पे आया करो यहाँ, बस खुश रहा करो। काश आपका कोई छोटा भाई होता। ये तो मुमकिन नहीं है बेटा, अम्मी उसे खाना खिला खिला कर जल्दी से बड़ा आदमी बना देती। अच्छा तो खास मेहमान आए हुए हैं। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, हम गलत वक्त पर आ गए। ये कैसी बातें कर रही हैं सादित बाजी, आइए बैठिए, ये लोग भी जाने ही वाले हैं बस। जी हाँ, हम ईद मिलने के लिए आए थे और बस अब जा ही रहे हैं। तो चलो इफ्तार तरावी ईद मिलना। हूँ मैं देख रही हूँ कि ये मैडम कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। बिलाल साहब, सादित आंटी, फैजा हमारी मेहमान है, ये बहुत गलत बात है। और इन मैडम ने जो तुम्हारा पीछा ही पकड़ लिया है, ये गलत बात नहीं है। मेरा ये बताना तुम्हें गलत लग रहा है? क्या गलत है, हम अच्छी तरह जानते हैं और अब अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? पहले ही दिन तुमसे मैंने नहीं कहा था क्या, ये लड़की बेहया है, हमारे लिए जरूर कोई मुश्किल खड़ी करेगी। बस बहुत हो गया, हमारे मेहमानों की बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं है, और आज ईद का भी दिन है। तो अब बेशर्मों की तरह तुम उसके लिए सफाइयां भी पेश करो। अम्मी बिलाल ठीक कह रहा है, चलो हम लोग वापस चलते हैं। चलो सादित बाजी, संभालो अपने आप। हसन भाई देखे जरा। अम्मी जाओ, निकल जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। देखो तो कैसे उसके पीछे जा रहा है। सादित अब बस करो। क्या बस करूं हसन, क्या बस करूं, अपनी आंखों से देख रहे हो, इन लोगों ने हमारी इज्जत को मट्टी में मिला दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतने सालों जो तुम्हें सहारा दिया उसी का लिहाज कर लेते। हसन अंकल रुकिए प्लीज। बिल्कुल सादित, इनसे बात करने को कुछ नहीं बचा। हसन चलो जाओ, तुम घर जाओ। हा? अंकल आज जो कुछ हुआ उसके लिए मैं इंतहाई माल। तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो, और मैं जानता हूं तुम उस लड़की से मोहब्बत करते हो। हसन अंकल ऐसा कुछ लेकिन नहीं, लेकिन सिर्फ इस वजह से मैं तुम्हें बुरा भला नहीं कहूंगा। मगर बिलाल तुम्हारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो बताओ, ताकि हम उसके मुताबिक फैसला करें। शुक्रन मुझे बहुत अजीज है, बेकार की उम्मीद अच्छी बात नहीं। हसन अंकल आप मुझे जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं किसी से छुपा रहा हूं। बात शुक्रन की नहीं है, मैं 15 साल की उम्र से अपनी फैमिली को पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। कब यूनिवर्सिटी जाने के काबिल हुआ ये भी आप जानते हैं। मगर बिलाल वो फेजा, उसे सिर्फ मैं यूनिवर्सिटी से जानता हूं। एक दिन एक कस्टमर के साथ कब्रिस्तान गया था मैं, ये लड़की भी वहीं अपनी अम्मी की कब्र पर रो रही थी। मैंने देखा तो फातिहा पढ़ने लग गया, तो शायद ये जज्बाती हो गई और ईद के दिन मेरा शुक्रिया अदा करने घर चली आई। बस इतनी सी बात है। ठीक है बिलाल, कोई बात नहीं, सादित की बात का बुरा मत मानना, वो भी तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचती है, समझ रहे हो ना। बस कभी कभी वो बोलने के बाद सोचती है। फैजा को भी बुरा लगा होगा बहुत। बस क्या कहूँ हसन अंकल, क्या जवाब दूंगा मैं उस लड़की को।